आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में स्टूडेंट्स के सुसाइड के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर दबाव। इसके अलावा बेहद कंपटीशन भी स्टूडेंट्स के सुसाइड की एक बड़ी वजह है। देश में तेजी से फैलते कोचिंग सेंटरों के रेगुलराइज करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका मुंबई के डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने लगाई। डॉक्टर मालपानी की ओर से एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने कोर्ट में दलीलें दी। डॉक्टर मालपानी ने अपनी याचिका में कहा है कि देश भर में लाभ के भूखे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इनको रेगुलराइज करने के लिए आवश्यक निर्देश दिशा की जरूरत है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग के IIT JEE, मेडिकल के NEET और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। याचिका में कहा गया था कि 14 साल के बच्चे घर से दूर कोचिंग फैक्ट्रियों में दाखिले ले रहे हैं। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी तैयारियाँ कराई जाती है, बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमामय जीवन जीने के हक के भी खिलाफ है। जनवरी से 28 अगस्त तक 24 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 स्टूडेंट्स का कोटा आए हुए 2-3 महीने से लेकर 1 साल से भी कम समय हुआ था। 7 स्टूडेंट्स ने तो 1.5 महीने से लेकर 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा 2 मामले सुसाइड की कोशिश के भी सामने आए थे। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।